और चलिए सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से मिल रही है। कानपुर हिंसा के आरोपी ने कई राज उगले हैं। हयात हाशमी के खिलाफ 9 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस को हयात हाशमी से कई जानकारी भी मिली है। हाशमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच जारी है। हयात हाशमी के खिलाफ 9 केस दर्ज हैं। सांप्रदायिक दंगे भड़काने के कई मामले दर्ज है, यानी इससे पहले भी आग लगाने की कोशिश की गई है हाशमी की तरफ से। और देखिए, इतना ही नहीं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हाशमी के, अब उनकी भी जांच की जा रही है, उन्हें भी तलाशा जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से हिंसा हुई कानपुर में, मास्टरमाइंड को लेकर सवाल उगले। जब मास्टरमाइंड सामने आया तो सवाल पूछे गए, और अब देखिए किस तरीके से 9 केस दर्ज हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगे भड़काने के भी कई मामले हैं। सबसे पहला मामला 2011 में इस पर हयात हाशमी पर दर्ज हुआ था, और उसके बाद 2012, 2013, 2015, 2019 और 2021, यानी आप देखिए वक्त वक्त पर इस तरह के मामले दर्ज होते रहे। और ये वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे मामले दर्ज हुए। सबसे पहले 2011 में, उसके बाद 12, 13, 15, 2019 और 2021। और इसमें सबसे ज्यादा जो दंगा भड़काने के, लोगों को उकसाने के, इस तरह के ये मामले सामने आए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, और ये आप रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं। वो रिकॉर्ड आप देखेंगे यहां पर तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरह से ये लगातार साजिश रचता रहा है। और कानपुर में हिंसा का पीएफआई कनेक्शन क्या है, पीटीएम ये भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें ये भी माना जा रहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है, जिस तरीके से हमने देखा है जब तमाम प्रोटेस्ट हुए। लेकिन पहले ये एफआईआर आपको दिखाते हैं किस तरीके से, क्योंकि नाम देखिए, हयात जफर हाशमी उनका पूरा नाम, और इसके साथ उनका एड्रेस और कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई गई है, हिमांशु, ये काफी अहम है। सबसे पहले आप देखेंगे 2011, 2012, 2013, 2015, 2021, 2019 ये मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। और ये देखिए, ये आपको बताते हैं 451, 427, 379, 309, 120 भी, और ये 109, ये सारी जो धाराओं की अगर बात की जाती है तो ये उकसाने के लिए, भीड़ को उकसाने के लिए, दंगे के लिए, ये वो धाराओं में इस्तेमाल की जाती है। ताने भी आप देख लीजिए, चमनगंज, चकेरी, चमनगंज, चमनगंज, कोतवाली, यानी एक क्षेत्र में वहां पर ये लगातार एक्टिव रहा। और ये पूरी जन्म कुंडली देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत पूरी जन्म कुंडली लेकर आया कि देखिए कब कब ये साजिश रची गई। नाम देखिए, ये लिखा हुआ है हयात जफर हाशमी, पुत्र जफर हाशमी, निवासी कहां, चमनगंज, हाल पता दादा मियां इलाका थाना। और एक एक जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ हम लगातार ये एफआईआर भी दिखा रहे हैं, इसके अलावा हमारे सहयोगी जो मनीष है वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उन्हीं का रुख करते हुए। मनीष, क्योंकि पूरा जो आप देखिए इनका जो कुंडली है हाशमी की, वो निकाल कर रख दिए टाइम्स ऑफ नव भारत पर। पहले भी कई मामले दर्ज, जरा इसको लेकर बताएं, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं है हाशमी का। देखिए, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की एक्टिविटी में उसका नाम शामिल हुआ हो। इससे पहले भी कई बार जब जब हिंसा हुई है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में हयात हाशमी रहा है। पुलिस अब पुराने मामले की भी पड़ताल करने में जुट गई है, और साथ ही इस मामले से संबंधित विदेशी फंडिंग, बाहरी राज्यों से कोई लिंक और पीएफआई कनेक्शन, ये तीन जो दिशाएं हैं इनमें भी काम किया जा रहा है। खास तौर पर जो सोशल मीडिया पर इसके अकाउंट हैं उनकी पड़ताल की जा रही है, उनको जांचा जा रहा है। उसके लिए अलग से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है जो इन सारी चीजों को देख रही है। हयात हाशमी, उसके परिजनों के नाम पर जो अकाउंट है उनकी डिटेल खंगाली जा रही है। इसके अलावा बाकी जो 29 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी अकाउंट डिटेल भी निकाली जा रही है। इनको कहीं बाहर से फंड तो नहीं दिया गया इस घटना के लिए, ये जानने की कोशिश कानपुर पुलिस की है। तो जो पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा था तो कुछ इनपुट कानपुर पुलिस को मिले हैं, जिसके हिसाब से, इसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई करने में कानपुर पुलिस जुट गई है। और मैं अभी इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हूँ। हयात हाशमी और उसके साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको 12 बजे यहाँ पर कानपुर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। 14 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश कानपुर पुलिस की होगी, चूंकि पूछताछ में बहुत सारे नए इनपुट सामने आने हैं। जो अभी पूछताछ चल रही है, कई अहम जानकारियां कानपुर पुलिस को मिली है। 6 मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। कॉल डिटेल के आधार पर कुछ बाहरी, जो यूपी से बाहर कई स्टेट है जहां पर इन लोगों की बातचीत हुई है, ये बातचीत क्या उस घटना से संबंधित थी, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और रिमांड तो बहुत सारी कड़ियां हैं मनीष, जिनको जोड़ा जाएगा, और अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं, बहुत सारे कच्चे चट्टे अभी सामने आएंगे, और दुनिया के सामने ये जो चेहरे हैं ये बेनकाब भी होंगे। आप हमारे साथ बने रहे हैं। लेकिन इस हयात हाशमी की, जिस पर 2000
अब देखेंगे 11 से मामले दर्ज हैं, इसकी एक जन्म कुंडली पूरी दिखा देते हैं ताकि दर्शक भी समझ सके कि कैसी पहुंची हुई रकम है ये। एक तस्वीर हिंसा की, एक तस्वीर हिंसा के मास्टरमाइंड की और जेल भरो आंदोलन का एक पोस्टर, इन तीनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता समझिए, कानपुर हिंसा का जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उस हयात जफर हाशमी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि हयात कांग्रेस से जुड़ा है और दाहिनी तरफ जो पोस्टर है वो कानपुर में जेल भरो आंदोलन की आड़ में हयात की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। हयात की साजिश का पोस्टर से रिश्ता बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हयात के कांग्रेस कनेक्शन को दिखाती है तस्वीर देखिए। दाहिनी तरफ हयात के फेसबुक अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, इसमें नीचे आने पर लिखा है पूर्व प्रदेश सचिव यूपी युवा कांग्रेस, यानी कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कांग्रेस से जुड़ा रहा है, युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव के पद पर काम कर चुका है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो हयात के कांग्रेस कनेक्शन को और मजबूत बनाती है। इस तस्वीर में हयात कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को बुके देते हुए नजर आ रहा है। अब हयात के कांग्रेस कनेक्शन को दिखाती ये तीसरी तस्वीर देखिए, इसमें हयात कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाषण देता दिख रहा है, पीछे बैनर लगा है जिस पर प्रियंका गांधी की तस्वीर है। अब कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात को क्यों कहा जा रहा है वो इस पोस्टर से समझिए। ये जेल भरो आंदोलन का पोस्टर है जो हयात ने शेयर किया था। इस पोस्टर में 5 जून को सभी मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन में सुबह 11:30 बजे शामिल होने की अपील है। इसे जारी किया गया है एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन की तरफ से, जिसका अध्यक्ष हयात है। इसका जिक्र हयात के फेसबुक अकाउंट पर भी है। सवाल ये है कि जब जेल भरो आंदोलन 5 जून को था तो 3 जून को ही क्यों सड़कों पर उतरे? वजह थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम, जिसके लिए राष्ट्रपति और पीएम मोदी कानपुर में मौजूद थे। एक खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम के साथ मंच पर मौजूद थे और वहां से कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर बाकायदा प्लान बनाकर हिंसा हुई। वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड हयात को इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उसका इतिहास ही कुछ ऐसा है। कानपुर में मुस्लिम नेता के रूप में चर्चित हयात जफर हाशमी के एमएमए जौहर संघ ने सीएए और एनआरसी के विरोध में कई धरने और प्रदर्शन किए। इसके अलावा मनाही के बावजूद जुलूस ए मोहम्मदी निकालने के मामले में जाजमऊ में भी जफर पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। कम समय में मुस्लिमों का सरपरस्त बनने की चाह में जफर भड़काऊ पोस्ट भी शेयर करता रहा है। आरोप है कि हयात ने अपनी माँ और बहन को उकसाकर कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में आत्मदाह करवाया था। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। हालांकि हयात की पत्नी उसे बिल्कुल पाक साफ बता रही है। ये बिल्कुल गलत है, जिस तरह से उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कमिश्नर साहब से भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। हयात की पत्नी उसे जरूर बेगुनाह बता रही है, मगर अब तक पुलिस की जांच में हयात ही हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल हयात पुलिस की गिरफ्त में है, देखना होगा आगे की पूछताछ में वो क्या कुछ बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और कानपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा वाली जगह पर जो सीसीटीवी लगे गए थे उनसे छेड़छाड़ हुई थी, ये भी खबर आ रही है। सबूत मिटाने के लिए ये छेड़छाड़ की गई है, डीवीआर से भी इस सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, तो वही पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है। पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी किए जाएंगे और गिरफ्तारी के लिए लोगों की मदद भी पुलिस देगी। देखिए, जब सीसीटीवी लगे होते हैं तो डीवीआर होता है जिसमें पूरा रिकॉर्ड होता है, और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, अब ये भी खबर आ रही है। अब जो गिरफ्तारी के लिए लोग हैं, गिरफ्तारी के लिए लोगों की मदद पुलिस लेगी, क्योंकि छेड़छाड़ यहां पर की गई है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले तो आप अपराध करते हैं, फिर अपराध के सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई। देखिए, जो नई सड़क इलाका है वहां पर चूंकि कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है तो बहुत सारी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें वो बलवाई कैद हुए थे, उनकी तस्वीरें उस सीसीटीवी फुटेज में आसानी से पकड़ में आ सकती हैं। इसका अंदाजा लगते ही कई जगह जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी डीवीआर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कई जगह कैमरे तोड़ दिए गए हैं, कई जगह तार काटे गए हैं और डीवीआर गायब कर ली गई है। पुलिस की पड़ताल में ये सारी चीजें सामने आई हैं, क्योंकि पुलिस उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उन
हलवाइयों की पहचान हो सके, लेकिन कई जगह दुकानदारों के पास जब पुलिस गई पहुंची, कई घरों में जब पुलिस पहुंची तो हम बताया गया कि जो DVR है वही नहीं है, कैमरे ढंग से काम नहीं कर रहे थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कल ही उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि पुलिस इस पर भी कार्रवाई करने के मूड में है, उसका कहना है कि ये साक्ष्य को मिटाने की कोशिश है, तो इसके हिसाब से जो उचित धाराएं हैं उनमें उनके तहत जो जिन्होंने साक्ष्य मिटाया उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अब तक जितनी CCTV फुटेज मिली है कैमरों के जरिए, उनके आधार पर पुलिस उन चेहरों के पोस्टर बनाकर कई जगह लगाने की तैयारी कर रही है ताकि ऐसे लोग आसानी से पकड़ में आ सके। आम जनता का सहयोग लिया जाएगा कि ऐसे लोग जहां कहां कहीं भी मिले पुलिस उनको सूचना दे और पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो ये पूरी कवायद पुलिस की, कानपुर पुलिस की चल रही है। मनीष एक बात और बताइए, क्योंकि पत्थरबाजों के जो पोस्टर है ये भी जानकारी की कई जगह पर जारी किए गए हैं, यानी कि पहचान कुछ पत्थरबाजों की हो चुकी है साफ तौर पर। ये योगी सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी थी कि जो लोग इस तरह के मामलों में संलिप्त होते हैं उनके पोस्टर जारी किए जाएंगे और उन पर कार्यवाही की जाएगी, उसी के तहत यहां पर कार्यवाही भी की जा रही है। देखिए, राज्य सरकार एकदम गंभीर है, इस मामले में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतने दी जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। और इसके बाबत उन्होंने निर्देश भी दिए, कानपुर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए, शासन की ओर से एक स्पेशल पुलिस अफसर को तैनात किया गया, अजयपाल शर्मा को भेजा गया था जब ये हिंसा चल रही थी। तो अपनी ओर से राज्य सरकार कोई चूक इसमें बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। तो जो उचित कार्रवाई होती है तो लॉ एंड ऑर्डर अपनी कार्रवाई करेगा ही, साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और वो कार्रवाई किस तरह से होगी इस पर हम नजर बनाए रखें। मनीष, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर यहां पर बता दें अपने दर्शकों को, कानपुर हिंसा के बाद अब पोस्टर वायरल हो रहे हैं। पोस्टर में जेल भरो आंदोलन चलाने की अपील की गई है, इस तरह के पोस्टर। और इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है, कमिश्नर विजय मीणा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। परेड इलाके में वो फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, नजर एक एक चीज पर खुद बनाए हुए हैं। ये वो पोस्टर है जो वायरल हो रहा है और इसमें आप देखिए कानपुर बंद लिखा हुआ है, साथ ही लिखा हुआ है जेल भरो आंदोलन, हम उसे रिसालत के लिए मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन की अपील, 5 जून 2022 इतवार सुबह 11:30 बजे रजवी रोड कानपुर हजरत सादिक शाह की दरगाह चौराहे से। बाकायदा देखिए ये पूरी जानकारी और अपील करता में देखिए किसका नाम है, अपील करता में किसका नाम है ये भी यहां पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने आज परेड इलाके में फुट पेट्रोलिंग की है। हाशमी के संगठन के आज ऐलान किए गए जेल भरो आंदोलन को देखते हुए कमिश्नर ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन मोर्चा यूपी पुलिस ने संभाल लिया है, कानपुर के पुलिस कमिश्नर परेड इलाके में सड़कों पर उतरे हुए हैं, फुट पेट्रोलिंग वो खुद कर रहे हैं पूरे परेड इलाके में, हर गली हर चौक चौराहे पर वो जा रहे हैं। देखिए सामने आपको नजर आएंगे, पूरी पुलिस पार्टी के साथ परेड के हर इलाके तक पहुंचने की कोशिश है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एक ऐलान किया गया था जेल भरो आंदोलन का, उसको ध्यान में रखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी की गई है। पुलिस कमिश्नर खुद जो है फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कानपुर की जो घटना घटी थी, एहतियाती तौर पर आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, जैसा उस दिन कॉल था उसी तरह का कॉल जेल भरो आंदोलन का आज किया गया है, तो उसमें कहीं कोई लापरवाही और चूक देखने को न मिले, उसके चलते कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय मीणा खुद देखिए सड़कों पर हैं। ये कादरी हाउस का इलाका है, यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। ये पूरा जो परेड इलाका है वो काफी संवेदनशील है और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में RAF, QRT, PAC की कई कंपनियां तैनात की है। सर, खुद पेट्रोलिंग पर निकल पड़े आप जी, आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी किया गया था कुछ लोगों की ओर से, ऐसा सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल भी है जी। ये जफर हाशमी ने ही किया था, उससे पहले जो घटना घटी थी उससे पहले किया था उसने, लेकिन कल जब उसकी अरेस्टिंग हो गई तो आज उसको रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी उसमें हम लोग भ्रमणशील हैं ताकि उसके कोई समर्थक या कोई और लोग ऐसा प्रयास ना करें, लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। और अभी तक 29 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और हमने 6 मोबाइल जब्त किए हैं, उनकी जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उसको चेक किया जा रहा है।
और जो इनके नेटवर्क है उनके लोगों के बारे में पता किया जा रहा है, फिर इसको दोस्त किया। अच्छा, एक PFI ने प्रेस नोट जारी किया था कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि जो धार्मिक संस्थानों पर दावा किया जा रहा है, विवादित करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतरे। 3 जून को ही पश्चिम बंगाल और कई स्टेट्स में इस तरह का कॉल था। क्या PFI की भूमिका यहाँ पर भी ये जो पूरी घटना हुई उसी कड़ी का हिस्सा है? देखिए, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में हम लोग जो 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं और उससे जो व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए हैं, जिन लोगों से बात की गई है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बाहरी स्टेट से भी जुड़े हो सकते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा फंडिंग की एक बात सामने आ रही है कि बाहरी कुछ ताकतें थी जो फंडिंग। देखिए, इसी चीज के लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित की है और ये टीम ये सारी चीजें, मोबाइल से जो रिलेटेड चीजें हैं और जो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो सबकी समीक्षा करेगी, इनके अकाउंट्स को चेक करेगी, तो सारी चीजों से क्लियर हो जाएगा। तो अभी पूछताछ में कुछ ऐसा लिंक सामने आया हो जो PFI की ओर इशारा कर रहा हो? देखिए, अभी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग पहले पूरी जांच हो जाए, उसके बाद इसको फिर आज रिमांड पर लेने की कोशिश होगी। जी। तो ये पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और जांच के लिए एक अलग से SIT गठित की गई है जो इन सभी आरोपियों के अकाउंट की जांच करेगी और 29 आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत, कानपुर। तो देखिए, कानपुर हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। अभी तक सामने आई तस्वीरों को देखकर इस दावे से कहीं से भी कोई शक नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई हो। हिंसा का हर एक सीन स्क्रिप्ट के हिसाब से प्ले किया गया। ये रिपोर्ट देखिए, आप खुद समझेंगे। एक इशारे पर कानपुर में बवाल, रुमाल दिखाया, हिंसा चालू। ठेले पर आया हिंसा का औजार। वीडियो में कैद कानपुर हिंसा का सच। टाइम्स नाउ नवभारत पर हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट। कानपुर में हिंसा के कितने टूल। टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे ये 3 एक्सक्लूसिव वीडियो हिंसा के 3 टूल हैं। पहला टूल रुमाल, दूसरा टूल ठेला, तीसरी टूल किट उपद्रवियों की टोली। ये 3 तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कानपुर में हिंसा कितनी बड़ी साजिश थी। ये वीडियो बता रहे हैं कैसे हिंसा की क्रोनोलॉजी फिक्स थी। ये 3 तस्वीरें साबित कर देंगी कि कानपुर के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए कैसे हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। वीडियो में आपको सड़क दिख रही है, ट्रैफिक सामान्य है। सड़क के एक तरफ गाड़ियां चल रही हैं, दूसरी ओर नमाजियों का भारी हुजूम जा रहा है। अब देखिए, एक लाल रंग की कार आकर रुकती है। कार के ठीक बगल खड़ा ये शख्स अचानक से कुछ इशारे करने लगता है। ये इशारा वो दूसरी तरफ जा रही भीड़ को करता है। सफेद कुर्ता पैजामा पहने ये शख्स रुमाल से दूसरी तरफ की भीड़ को इशारे कर रहा है। भीड़ में से अभी तक किसी ने भी इशारा नहीं देखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये शख्स अपने हाथ जोर जोर से हिलाने लगता है। रुमाल से इशारा करते हुए वो बीच सड़क पर पहुंच जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये भी देखिए। अचानक से भीड़ में से कुछ लोग दौड़ते हुए सड़क के इस तरफ आ जाते हैं। सफेद टोपी, सफेद कुर्ता पैजामा पहने कई व्यक्ति यहाँ जमा होने लगते हैं और यही है हिंसा का पहला सीन। वीडियो को गौर से देखने पर कुछ दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। ये उपद्रवी इन्हीं दुकानों को बंद कराने के लिए रुमाल वाला इशारा मिलने के बाद दौड़ पड़े थे। ये दुकानें यतीम खाना इलाके के पास बाजार में कुछ हिंदुओं ने खोली थी और यही बात इन उपद्रवियों को रुमाल से इशारा करने वाले शख्स को नागवार गुजरी। हमको ऐसी जानकारी है, कोई जफर हयात हाशमी जी हैं जो जौहर फैंस एसोसिएशन चलाते हैं, उनके द्वारा ये बंद कॉल था। तो बंद की कॉल उनके द्वारा की गई थी, जिसका पालन पूरा मुस्लिम समाज कर रहा था। अच्छी बात भी है, करना चाहिए। आपके पैगंबर के लिए कुछ बुरा बोला गया तो ठीक है, आप कर रहे थे, अच्छी बात। लेकिन जो हिंदू समाज के कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि 10-12 दुकानें मात्र हिंदुओं की हैं, तो अगर वो दुकान खोले बैठे थे तो उनको जबरन धमकाना, डराना या बम चलाकर ये बताना कि नहीं आप बंद नहीं करोगे तो हम आपको पूरी तरह समाप्त कर देंगे। और सो रहे थे ये लोग, ने नमाज पढ़ने के बाद चंदे सुलहाते में एकदम से हमला बोला आके।
अंदर घुसने जा रहे थे तब तक हाथे के जो थोड़े लोग थे उन लोग बाहर निकल के आए और वो लोगों ने गुम्मे चलाने चालू कर दिए।